यूपी के सरकारी अस्पताल में अब किन्नर के इलाज के लिए अलग से वार्ड आरक्षित होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में 5 बेड का अलग किन्नर वार्ड बनाया जाएगा। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि किन्नर कल्याण बोर्ड की मेंबर कौशल्या नंदगिरी ने बताया कि प्रदेश में किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए बीजेपी सरकार की ओर से पहल की जा रही है। आमजन की तरह किन्नरों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिल सकेगा। वही जिला प्रशासन की ओर से किन्नर पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। यह पहचान पत्र डीएम की तरफ से दिया जाएगा। अब तक प्रयागराज में 3 किन्नरों को पहचान पत्र दिया जा चुका है। वही कौशल्या नंदगिरी टीना के मुताबिक सभी थानों में किन्नरों की समस्याओं को सुनने के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बनने वाले पब्लिक टॉयलेट में पुरुष और महिलाओं के साथ ही किन्नरों के लिए भी टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने किन्नर समाज की समस्याओं को देखते हुए किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसके तहत हर जिले में किन्नर कल्याण बोर्ड के मेंबर में जाकर बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। इससे किन्नरों की समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।